साल 2018 को चुनावी साल मानते हुए प्रदेश के कांग्रेसी रथों और साइकिलों पर प्रदेश में दौड़ लगाने की तैयारी में है। इस वक्त सबकी नजर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा पर टिकी हुई है। दिल्ली में इसी रथ यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सांसद और विधायक समेत तमाम नेता शामिल हुए। देखिए, हरियाणा सरकार को बने 3.5 साल हो गए हैं और इस 3.5 साल में ये सरकार अपने चुनावी वायदों को पूरा करने की बात छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के फ्रंट पर बिल्कुल फेल हो गई। ऐसी परिस्थिति में वायदा तो ये किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए बुरे दिन। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सारे हरियाणा के अंदर एक, इसको किसी नाम से पुकार लीजिए, चाहे इसको परिवर्तन यात्रा कहिए या जन जागरण अभियान कहिए या पुराने दिनों को वापस लौटाएंगे हम, वो कहा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये रथ यात्रा इसी महीने की 25 तारीख से शुरू होगी और महीनों तक चलेगी, जिसमें सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। देखिए, माननीय प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक रथ यात्रा का जो है पूरी तरह से आयोजन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में रथ यात्रा जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और द्वेष की भावना से जो राजनीतिक तौर पर जो मजबूत लोग हैं उनको कमज़ोर करने का ये जो सरकार का जो षड्यंत्र है वो कामयाब नहीं होगा। ये रथ यात्रा जो है एक जन क्रांति यात्रा इसका नाम दिया गया है। होडल से इसकी 25 तारीख को शुरुआत होगी और हम उम्मीद करते हैं पूरी जब प्रदेश में इसका पहिया घूमेगा तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम प्रदेश की जनता करेगी। बहरहाल ये यात्रा कई मायनों में अहम है। सत्ता में काबिज भाजपा के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रथ यात्रा के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ ही कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश में रहेंगे। कैमरामैन शूरवीर के साथ पूजा राठौड़ शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।